टेंथ साइंस के चैप्टर वन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहले है सही विकल्प। फर्स्ट क्वेश्चन है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4, और ये जो अभिक्रिया दी है कौन सी अभिक्रिया है? तो ये देखिए, इसमें Al ने एल्यूमिनियम ने Fe से ऑक्सीजन को विस्थापित किया है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार ही की है। चूंकि इसमें दो अभिकर्मक क्रिया करके एक यौगिक बना रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन का योग होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन होता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो क्या कहलाती हैं? उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस अध्याय में दो अंक के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब BaCl2 की क्रिया H2SO4 से की जाती है तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं जब हवा के संपर्क में आते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल से वो ऑक्सीजन लेकर उपचयित हो जाते हैं, और जिससे उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इसलिए उन्हें खराब होने से बचने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब बिना बुझे हुए चूने CaO की क्रिया H2O से की जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है CaOH2, और साथ ही बहुत सी ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बिना बुझा हुआ चूना CaO+H2O, ये दो अभिकारक हैं और इन्होंने मिलकर एकल उत्पाद CaOH2 बनाया है, इसलिए ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अध्याय से तीन अंक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है यानी ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक तो उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया है ZnO+C, इसमें कार्बन उपचयित हो गया है और ZnO अपचयित होकर ZN का निर्माण होता है। इस अध्याय में से कुछ प्रश्न समीकरण संतुलित करने के लिए भी आ सकते हैं, तो ये प्रश्न नंबर 8 में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है। साथ ही प्रश्न नंबर 9 में भी यही प्रश्न हमने लिए हैं समीकरण संतुलित करने के। और समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है ये हम इसके पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप इसके लिए उस वीडियो को देखें। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं श्वसन के द्वारा, तो इसमें भोजन विघटित होता है यानी उसका उपचयन होता है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है।